इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इससे पहले भारत में दिल्ली सरकार, तेलंगाना सरकार, महाराष्ट्र सरकार, इसके बाद भारत सरकार ने भी अपनी फेम की सब्सिडी लागू की थी। अब इसके बाद गुजरात सरकार ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। सरकार ने अगले 4 साल में 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी देने का लक्ष्य इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़क पर उतार कर 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य भी इस पॉलिसी में रखा है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और ईंधन की मात्रा घटाने के लिए और ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर और 3-व्हीलर और 4-व्हीलर के ऊपर सब्सिडी देगी। 2-व्हीलर के लिए 20,000 रुपये और इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर के लिए 50,000 रुपये और कार के लिए 1.5 लाख की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके कारण सरकार की तिजोरी पर 870 करोड़ का बोझा बढ़ने वाला है। इस इलेक्ट्रिक पॉलिसी में गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर रजिस्ट्रेशन फ्री करवाया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राज्य में 250 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ गुजरात में इससे पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 278 चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए प्रदेश के आवासीय तथा व्यावसायिक परिसर तथा पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, ये थी गुजरात सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।